तो यार ये वो वाला टाइम है जब मैं और मेरी टीम जॉर्ज पुल के स्क्वाड हाउस के अंदर पुश कर रहे थे और मेरे तीन टीममेट्स नॉक हो गए। तो और अभी इधर है ना तीन तीन स्क्वाड्स, यार क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? तो देखने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो हेलो गाइज, यार हम है ना वापस आ गए हैं पोचिंकी के अंदर, ठीक है, मैं और मेरी स्क्वाड्स। तो यार पोचिंकी में ना जाते ही थोड़ा सा लूट करा, जैसे हम ऑब्वियसली करते हैं हर एक पबजी की गेम में। और यार अपने को एक एसएमजी मिली और एक एके मिली, ठीक है। उसके बाद ना अपने को ये दिखा, एक बंदा दिखा जो कि नॉक पड़ा हुआ था, और मैंने खुशी खुशी अपनी इसकी किल चुराई। अब जिस बंदे ने इसको नॉक किया होगा ना, बहुत रो रहा होगा, बहुत पछता रहा होगा। तो अब हमारी एक टीममेट ने ना बंदे मार्क कर दिए कि हाँ भाई उस साइड में बंदे हैं। अब यार पोचिंकी के अंदर बंदे स्पॉट करना और बंदे मारने का सबसे बढ़िया जो एक तरीका होता है वो होता है भाई घर के ऊपर चढ़ जाओ, हाई रिज ले लो और बंदे ऑटोमेटिकली स्पॉट हो जाएंगे। तो अब देखो, तो यार यहाँ पर जैसे ही एक बंदा नॉक होता है ना, एक कॉल आ जाती है कि भाई पुश करना है, और अपन लोग पुश कर देते हैं। तो यार यहाँ पर ना मेरे आने से पहले ये पूरी स्क्वाड खत्म कर देती है मेरी टीम। मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही किल मिलती है। तो यार पूरा का पूरा जॉर्ज पुल वगैरह छानने के बाद ये वो मोमेंट आ जाता है जब हमें लास्ट यहाँ पे बंदे मिलते हैं, और यहाँ पर वो मोमेंट है जब तीन बंदे नॉक हो जाते हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, तीन स्क्वाड मतलब तीन स्क्वाड, हर टीम के चार बंदे हमारे आजू बाजू में है। एक सीमेंट्री में है, एक टीम हमारे ऊपर है और एक टीम हमारी लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हम मैंने इन सब को रिवाइव दिया, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सरवाइव करा। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड रिवाइव था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था भाई कि हम ये गेम सरवाइव कर सकते हैं इस मोमेंट के बाद। तो भाई अब जब मेरी टीम ने अच्छे से हील कर लिया ना, तो उसके बाद भाई हमने डिसाइड किया कि हम यार ऊपर जाके हम पुश मार रहे हैं, ठीक है। पहले मैं गया, मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा कि बंदे की पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद मेरी टीम आई, और उसके बाद तो भाई आतंक मचना है। तो यहाँ पर ये वाली स्क्वाड हो गई पूरी की पूरी ख़त्म। तो हमने फटाफट से अपने दो बंदे जो नॉक हो गए थे उसको रिवाइव दिया, और मैं आके बालकनी में आके मैं लेट गया। मैं बंदे देख रहा था और सामने मेरे को दिखा स्मोक, और स्मोक के पीछे है बंदा जो कि बोल्ट एक्शन चला रहा था, और बोल्ट एक्शन का पापा चला रहा था, वो ओम चला रहा था। और मेरे पास क्या है, डीपी है और एके है। तो यार अब मैं सोच रहा था टैप टैप शॉट्स लेके मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर सकूँ, लेकिन उसने तो ओम चला के मेरी एचएसी कर दी। और इतने में दूसरी स्क्वाड ने आके पुश मार दिया। तो यार यहाँ पर जिस बंदे ने, जिस टीम ने पुश मारा था ना, वो टीम पूरी की पूरी खत्म हो गई, लेकिन ये मेरी पूरी टीम को खा गई, पूरी की पूरी टीम को खा गई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं बच रहा हूँ। तो अब जो पत्थर वाला ओम वाला बंदा था, उससे मेरे को पंगे लेने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा बहुत एंगल बना रहा था कि कहीं से मैं देख सकूँ। अब यहाँ पर सीन क्या है ना, यहाँ पर पत्थर पर भी बंदे हैं, और लेफ्ट साइड में जो स्नाइपर टावर है उसके आसपास में भी बंदे हैं। तो मैं दोनों जगह से देखने की कोशिश कर रहा था, यार कहीं ना कहीं से कोई बंदा दिख जाए तो मैं एक कार 98 का शॉट उसको दे पाऊँ, थोड़ा डैमेज बढ़ेगा, पता है नॉक तो शायद ही होगा कोई बंदा। तो इतने में ना एक तीसरी स्क्वाड और आ गई, और उसने सीधा का सीधा पुश मार दिया। यार यहाँ पर एक बंदा नॉक और दूसरा भी बंदा यहाँ पे नॉक, और यार यहाँ पे पीछे से जो तीसरी स्क्वाड थी उसके बंदे ने मेरे को ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ गेम पूरी की पूरी ख़त्म। तो यार थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट।